हेलो दोस्तों, आज हम चिकन एकदम आसान तरीके से बनाएंगे, जिससे आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा और चिकन आपका एकदम बढ़िया सा बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी रेसिपी तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं और यहाँ कुछ लाल मिर्च, इसे हम पीस लेते हैं। देखिए हमने सब कुछ ऐड कर दिया है। अब इसके बाद से ऐड कर देना है जीरा, कुछ खड़ा जीरा लिया है हमने, और इसे हम अच्छे से पीस, और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसे हम पीस लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। तो तेल में हमने ऐड कर दिया है 2 तेज़पात और 3 से 4 लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, और जीरा को चटकने देते हैं। इसके बाद से ऐड करना है प्याज, 1 से 2 प्याज हमने तड़के में दिए हैं, और इसे अच्छे से हम चला लेते हैं, प्याज को ब्राउन होने देते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने ऐड किया है 1 चम्मच अदरक और 2 से 3 चम्मच लहसुन कूट कर लिया है हमने। और अब इसमें देखिए, हम अच्छे से इसे मिक्स करके चला, और इसमें हमने ऐड कर दिया है कुछ प्याज, हमने पीस कर भी लिया है, इसका पेस्ट बना लिया था। और इसमें हमने ऐड कर दिया है 2 चम्मच नमक, और इसे हम अच्छे से मिक्स करके भूनते हैं। चलिए, यहाँ पे भून चुका है। अब इसमें ऐड कर देते हैं जो हमने मसाला पीसा था। देखिए, थोड़ा सा दरदरा टाइप का है और चिकन में थोड़ा दरदरा ही मसाला चाहिए होता है। और अब इसमें हमने ऐड करते हैं 1.5 चम्मच हल्दी और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है, इसे अच्छे से भून लेना है। मसाला भून भी चुका है और इसमें ऐड करना है आपको चिकन। चिकन हमारा 1 kg था और इसे अच्छे से हम चला लेते हैं। चला के हम अच्छे से भूनेंगे इसे। चलिए, इसे हम अच्छे से भून लेते हैं एकदम। इसे ढक देते हैं हम। देखिए, आपको बीच बीच में चलाते रहना, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा, फिर एकदम इसका टेस्ट ही खराब हो जाएगा। देखिए, ये अपने से ही यहाँ पे पानी छोड़ दिया है और ये अच्छे से भून के रेडी हो चुका है। इसमें हमको पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन बस हम ऐसे ही भूने हैं इसको। यहाँ पे हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आप सबको ये रेसिपी, ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही बहुत सारे चिकन की रेसिपी लेके आएंगे हम आप सबके साथ, तो बने रहिएगा हमारे चैनल।